मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो मुस्लिम युवकों ने मुस्लिम धर्म को त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया है। मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले दोनों युवकों को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से हिंदू धर्म में प्रवेश कराया गया। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों की उपस्थिति में दोनों ही युवकों ने अपने मजहब को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म अपनाने वाले युवकों में से एक का नाम अजीजुल हसन तो दूसरे युवक का नाम अल्लाह रखा खान है। हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही दोनों ही युवकों को हिंदू धर्म के मुताबिक नए नाम भी दिए गए। अजीजुल हसन अब अनय ठाकुर के नाम से जाने जाएंगे तो अल्लाह रखा खान को विजय चौहान का नाम दिया गया। हिंदू धर्म अपनाने वाले युवकों का कहना है कि उनका सनातन धर्म के प्रति शुरू से ही झुकाव रहा है, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। हिंदू धर्म अपनाने वाले अजीजुल हसन उर्फ अनय ठाकुर का कहना है कि वह मध्य प्रदेश के अशोक नगर का रहने वाला है, लेकिन उसकी शिक्षा जो है वो जबलपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। स्कूल में बचपन से ही सनातन और हिंदू धर्म से संबंधित संस्कार दिए गए हैं। लग रहा है मुझे सनातन में वापसी करते हुए कैसे मन में इच्छा आई है? इच्छा नहीं, ये तो इसको कहा जाए कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल है कि आपका आज नहीं तो कल जो है चीज़ें आती ही हैं। जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनका ही प्रतिफल होता है कि वास्तव में आज दो मुस्लिम युवकों की घर वापसी हुई है, क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक ईसाई और मुसलमान इनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, इसलिए अगर ये इनके पूर्वज भी, क्योंकि ये दोनों को एहसास है इस बात का, इनको जानकारी है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, जो मुस्लिम युवक इन्होंने जो आज सनातन धर्म में वापसी करी है इसलिए इन्होंने घर वापसी करी है। और हम ये आह्वान आज धर्म सेना के माध्यम से और आपकी मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी ईसाई या मुसलमान जिनको ये लगता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम किसी ना किसी कारणवश धर्म परिवर्तन जो भी कर लिया उनने, अगर घर वापस आना चाहे तो उनका हिंदू धर्म सेना स्वागत करेगी।